हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल साड़ी के लिए। तो कैसे बनाना है सब कुछ डिटेल में बताया हुआ, सिर्फ एक डोनट बन की मदद से अपने पतले हल्के छोटे बालों में आप खूबसूरत सा बन बना सकते हो। कैसे बनाना है सब कुछ डिटेल में देखने को मिलेगा। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और कोई भी डाउट रह जाता है, कुछ नहीं समझ में आता है, कोई मेकअप ट्यूटोरियल देखना है या फिर कोई हेयर स्टाइल चाहिए आपको अपने बालों के अकॉर्डिंग, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मैं बहुत जल्दी उस टॉपिक पे वीडियो लेके आ जाऊंगी। डिस्क्रिप्शन में मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट है, मेरी वेबसाइट को जाके आप देख सकते हो, वेबसाइट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड जो भी प्रोडक्ट मैं बताती हूँ उन सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो ढूंढने में। और इंस्टा आई डी प्रीत तिवारी 24 है, सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। और ये जो साड़ी मैंने बांधी है इसको भी आप ले सकते हो अमेजोन से, बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही स्टाइलिश सा सिंपल लुक आपको मिल जाएगा। मैंने तो रेड ली हुई है, आप चाहो तो जो भी कलर चाहिए आपको वो मिल जाएगा। तो इसका कुछ लुक यहाँ पे देख लीजिए आप। और तो इस तरीके की साड़ी, तो ये देखिए बहुत ही हल्की साड़ी है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है बॉडी पे, एकदम बहुत खूबसूरत होता है। शिफॉन की साड़ी है, आप इसको बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जो प्रोडक्ट लिंक है उस पर क्लिक करके तो जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत सुंदर लगता है, स्टाइलिश लगता है, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। तो मैं ज़्यादातर इसी तरीके की साड़ी मिलती हूँ, सब कलर में अवेलेबल है, तो आपको जो कलर पसंद हो वो आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे रेड कलर की ली थी। और सबसे अच्छी बात कि मैं इसको हाई बन बना के इस तरीके से सिर पे पल्लू रखती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। अगर आप नई नवी जो दुल्हन है बहू हैं, सिर पे पल्लू रखना ज़रूरी है, तो आप इस तरीके की साड़ी ले सकते हो जिससे आप काफ़ी कंफर्टेबल रहोगे। न्यूली मैरिड हो तो साड़ी पहनने में बहुत दिक्कत आती है, तो हल्की साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। चलिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके वहाँ से बाय कर सकते हो इस साड़ी को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हेयर स्टाइल कैसे बनाना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना, नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सेकंड चैनल पे मेरी ब्लॉग वीडियोस जाती रहती हैं, ब्लॉग वीडियोस का नाम सॉरी सेकंड चैनल का नाम प्रीत तिवारी 2 है, तो वहाँ पे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके से मैं सेंटर पार्टीशन कर रही हूँ, मुझे साड़ी के साथ सेंटर पार्टीशन अच्छी लगती है, आपको जैसे अच्छा लगता है। अगर नहीं करना है पार्टीशन, सिंपल ऊपर की तरफ से झाड़ के रखना है बालों को, तो इस तरीके से आपको बालों को अच्छे से कॉम करना है। जब भी हम लोग मिडिल पार्टीशन करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम लोग, जिससे हमारी एज बहुत ज़्यादा दिखती है और बहुत अजीब लुक आ जाता है, मांग हम लोग यहाँ तक निकाल लेते हैं। वो नहीं करना है गाइज, आपको मांग बहुत छोटी रखनी है, इस तरीके से कॉम कर लेना ऊपर की तरफ से। ओके, मांग छोटी रखोगे तो आपका लुक स्टाइलिश लगेगा। और इस तरीके से कॉम कर लेंगे, जितनी छोटी मांग निकालोगे उतना ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपका लुक। इस तरीके से पूरे बालों को अच्छे से कॉम कर लेंगे और रबर बैंड को लगाएंगे। थोड़ा सा हेयर को इस तरीके से रखेंगे, ओके, राउंड एरिया के हेयर को खींच लेंगे जिससे कि हमारा लुक जो है वो फ्लैट ना लगे। इसके बाद हम लोग लेंगे डोनट बन। डोनट बन के साथ आपको एक पतले वाले रबड़ बैंड की जरूरत पड़ेगी, तो इस तरीके से डोनट बन को इसके ऊपर रखेंगे। और हेयर को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सिंपली जैसे इस साइड का हेयर है तो इसको दूसरी साइड में लेके जाएंगे और इस तरीके से यू पिन से सिक्योर कर देंगे। जहाँ पे आपका इसका एंड पार्ट आ रहा है वहाँ पे इसको सिक्योर कर देंगे। अब देखिए, ऐसे अगर छोटे छोटे बाल हैं तो मेरी तरह आपके भी हेयर निकल जाएंगे, तो उसके लिए आप अगेन इसको इस तरीके से करिएगा और एक दो यू पिन एक्स्ट्रा लगा दीजिएगा। छोटे बालों में बता रही हूँ, लंबे बालों में तो बहुत ईजी है, कोई भी बना लेगा, लेकिन छोटे बालों में बनाना इसको थोड़ा सा मुश्किल है। अब दूसरी साइड के हेयर को इस तरीके से लेके जाएंगे, ओके, जो निकल रहा है हेयर टेंशन मत लीजिए, उसको निकलने दीजिए, बाद में उसका क्या करना है वो बता देती हूँ मैं। अब देखिए इस साइड के हेयर सॉरी
ये जो था ये यहाँ पे निकला हुआ है, तो यहाँ पे मैं एक यू पिन लूंगी और इसको सिक्योर कर दूंगी। अब इस साइड का हेयर जो है वो भी निकला हुआ है, तो इसको भी यू पिन से सिक्योर कर लेंगे। जहां जहां लगे आपको वहां पे आप यू पिन जरूर लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से जो आपका डोनट बना है वो अच्छे से हाइड हो चुका है यहाँ पे। डोनट बन को अच्छे से हाइड करना है बालों से। अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से ये खूबसूरत सा बन बना के रेडी कर सकते हो साड़ी के लिए। छोटे पतले बाल हैं और आप कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल ढूंढ रहे हो तो ये बना। सॉरी कॉल आया था जिसकी वजह से वीडियो कट गया। तो ये देखिए फाइनल लुक है हेयर स्टाइल का। तो छोटे पतले हल्के बालों में आप इस तरीके से अपने बालों को बड़ा और हैवी जूड़ा बना सकते हो बस सिर्फ एक डोनट बन की मदद से। तो आई होप कि आपको हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ में आया हो कि कैसे करना है ये बन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेयर स्टाइल समझ में आई हो और छोटे बालों में आपको ये मेरा मैंने जो बन बनाया वो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेकेंड चैनल पर भी विजिट कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में जो जो लिंक है वहाँ पर जाके क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो एंड जो जो जी सोशल मीडिया पे मैं हूँ एंड वेबसाइट मेरी और प्रोडक्ट्स की डिटेल ये साड़ी की लिंक सब कुछ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए गाइज। और आप अभी तक आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, टेक केयर।